स्वागत है आप सबका डिफेंस रिकॉर्ड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे HAL के बारे में, जहाँ पे HAL के LUH और ALH के जो दो सिविल वेरिएंट हैं, उनका ऑर्डर प्लेस किया गया है भारत की कंपनी पवन हंस लिमिटेड के द्वारा। तो टेक्निकली जो एक इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन है IOC वो साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत 20 जो सिविल वेरिएंट हैं वो प्रोक्योर होंगे या फिर लीज होंगे, और इन 20 में से आपका 10 ALH होगा और 10 ही आपके LUH रहने वाले हैं। तो कई मायनों में ये जो इवेंट है वो एक बड़ा इवेंट आप कह सकते हो, जहाँ पर टेक्निकली HAL ने जो लीजिंग है इन हेलीकॉप्टर्स की वो स्टार्ट कर दी है, उसकी तरफ वो बढ़े हैं, कदम बढ़ाया है। और यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भारतीय वेंडर पवन हंस है वो कोई देसी हेलीकॉप्टर को खरीद रही है या फिर लीज पे ले रही है, नहीं तो इससे पहले उनके पास जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो सभी इम्पोर्टेड रहे हैं। तो एक ट्रू सेंस में आप कह सकते हो कि LUH का जो ऑर्डर है भले ही सिविल क्षेत्र में हो वो अब हो रहा है। इसी में हम बात कर लेते हैं एक बड़े अपग्रेड प्लान के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी को लेके है, उनके BMP-2 पे होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आर्मी ऑपरेट कर रही है तकरीबन 2000 से भी ऊपर BMP-2 को, और कहीं ना कहीं ये जो व्हीकल्स हैं वो आप कह सकते हो टेक्नोलॉजिकली पीछे हैं, और एक बार में आप इतने व्हीकल को हटा नहीं सकते हो या फिर रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो जो एक अपग्रेड का पुश है वो देने जा रहे इंडियन आर्मी, जिसकी वजह से ये जो व्हीकल होंगे वो सक्षम होंगे अगले 10 से 15 साल और ऑपरेट होने में। यहाँ पे खास बात ये रही है कि जो अपग्रेड प्लान है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, और इस प्लान के अंतर्गत तकरीबन 12 जो प्लेटफॉर्म हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ प्राइवेट प्लेयर के नाम लेना चाहोगे तो अंजन लेंस हो गया, टॉम्बा इमेजिन हो गया, टाटा को गया है एक व्हीकल, L&T के पास है, और अडानी के पास इस तरह का एक व्हीकल गया है। तो कुल मिलाकर तकरीबन 12 ऐसी कंपनियां हैं जिनको BMP-2 भेजे गए हैं, और ये सभी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने अपने हिसाब से क्या कुछ अपग्रेड हो सकता है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से वो BMP-2 पे इंप्लीमेंट करेंगे, और जिसको साथ लेकर इंडियन आर्मी आगे बढ़ेगी और वो अपग्रेड प्लान अडॉप्ट करेगी। अगर अपग्रेडेशन की बात करोगे तो जो साइट है वो अपग्रेड होनी है, 360 का पैनोरमिक व्यू दिया जाएगा, गन अपग्रेड होंगी, ATGMs अपग्रेड होंगे, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो अपग्रेड होंगी। कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि फ्यूचर के वॉरफेयर को देखते हुए नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में काम कर पाए, हो सकता है जो गन है वो अपग्रेड हो, और प्रोटेक्शन और पावर के लिहाज से जो एडिशनल पावर है वो दी जा सकती है, और प्रॉब्लम जो APS है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो। तो ऐसे कुछ जो अपग्रेड हैं वो यहाँ पे दिए जा सकते हैं, और कुछ जो नए वेरिएंट है BMP-2 के वो भी आपको सामने दिख सकते हैं। अब ये जो वेरिएंट होंगे वो फ्यूचर के वॉरफेयर को देखते हुए लेजर वेपन और DEW वेपन है, ये दोनों कैरी कर सकते हैं। तो ये जो अपग्रेड है वो साथ में प्लान किया गया है और अभी फिलहाल चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।